नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज नेशन में। मैं हूँ आपके साथ अजय ठाकुर। दिल्ली के जंतर मंतर पर जारी भारतीय स्टार पहलवानों का धरना प्रदर्शन 22 जनवरी को खत्म हो सकता है, क्योंकि बड़ी खबर ये सामने आ रही है कि 22 जनवरी को वर्ल्ड रेसलिंग फेडरेशन की सालाना मीटिंग यानी AGM में फेडरेशन के अध्यक्ष ब्रिजभूषण शरण सिंह अपने पद से इस्तीफा दे सकते हैं। दरअसल ब्रिजभूषण शरण सिंह पर दबाव बढ़ता जा रहा है और खिलाड़ी अपनी मांग पर अड़े हुए हैं। बीती रात खेल मंत्री अनुराग ठाकुर और धरना दे रहे एथलीटों के बीच लगभग 4 घंटे की मैराथन मीटिंग हुई और उस मीटिंग में भी पहलवानों ने ब्रिजभूषण शरण सिंह के इस्तीफे पर ही जोर दिया। बीते बुधवार यानी 18 जनवरी 2023 को भारतीय रेसलिंग में तब अचानक भूचाल आ गया जब भारतीय स्टार रेसलर्स विनेश फोगाट, बजरंग पुनिया, साक्षी मलिक समेत करीब 30 पहलवान रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया यानी WFI के अध्यक्ष के खिलाफ दिल्ली के जंतर मंतर पर धरने पर बैठ गए। धरना दे रहे ये रेसलर्स अपनी मांग पर अड़े हैं और इनकी मांग है WFI के अध्यक्ष ब्रिजभूषण शरण सिंह का इस्तीफा। दरअसल इन रेसलर्स का आरोप है कि ब्रिजभूषण शरण सिंह समेत फेडरेशन के कई रेफरी नियम कानून का इस्तेमाल करते हुए खिलाड़ियों पर अपनी मनमानी कर रहे हैं। और इतना ही नहीं, धरने पर बैठी स्टार रेसलर विनेश फोगाट ने ये तक आरोप लगाया कि महिलाओं का यौन शोषण भी किया जा रहा। आरोप लगते ही दोनों तरफ से आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हुआ। हालांकि अब बड़ी खबर ये सामने आ रही है कि कुश्ती फेडरेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष ब्रिजभूषण शरण सिंह पहलवानों द्वारा यौन उत्पीड़न के आरोपों के बाद अपने पद से इस्तीफा दे सकते हैं। सूत्रों के अनुसार ब्रिजभूषण शरण सिंह 22 जनवरी को WFI की वार्षिक आम बैठक यानी AGM में इस्तीफा दे सकते हैं। ब्रिजभूषण शरण सिंह के इस्तीफे की खबर इस वजह से भी आ रही है क्योंकि ऐसा माना जा रहा है कि उन पर आरोपों से यौन शोषण के जो आरोप लगे हैं उसके बाद WFI के अध्यक्ष पर दबाव बढ़ता जा रहा है। बीती रात धरना दे रहे पहलवानों ने खेल मंत्री से मुलाकात की। बजरंग पुनिया के साथ रवि दहिया, विनेश फोगाट, साक्षी मलिक और बबीता फोगाट ने भी मंत्री से मुलाकात की। पूर्व पहलवान और भाजपा नेता बबीता सरकार की ओर से जंतर मंतर पर गई थी। खेल मंत्री ने सबको डिनर पर बुलाया था। लगभग 4 घंटे तक ये मुलाकात चली। रात 2:15 बजे सारे खिलाड़ी खेल मंत्री अनुराग ठाकुर के घर से बाहर निकले। शुक्रवार को एक बार फिर बैठक होगी। कई मुद्दों पर अभी चर्चा नहीं हो पाई है। इससे पहले भाजपा नेता ने चंडीगढ़ में कहा था कि खेल मंत्रालय ने WFI को नोटिस भेजकर 72 घंटों में जवाब मांगा है। अपने बयान में खेल मंत्री ने कहा था, पहलवानों के आरोपों का संज्ञान लेते हुए खेल मंत्रालय ने भारतीय कुश्ती संघ को नोटिस भेजकर 72 घंटे में जवाब मांगा। आगामी शिविर भी तत्काल प्रभाव से स्थगित कर दिया गया है। मैं दिल्ली जा रहा हूं और पहलवानों से मिलूंगा। चलिए अब आपको ये पूरा मामला एक बार फिर समझाते हैं। दरअसल भारतीय कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष ब्रिजभूषण शरण सिंह पर कई आरोप लगाते हुए बुधवार को बजरंग पुनिया, विनेश फोगाट, रियो ओलंपिक पदक विजेता साक्षी मलिक, विश्व चैंपियनशिप पदक विजेता सरिता मोर, संगीता फोगाट, सत्यव्रत मलिक, जितेंद्र किन्हा और राष्ट्रमंडल खेल पदक विजेता सुमित मलिक सहित 30 पहलवान जंतर मंतर पर धरने पर बैठ गए। बाद में धरने पर बैठी विनेश फोगाट ने WFI के अध्यक्ष पर यौन शोषण के आरोप लगाए। साथ ही अब ये रेसलर्स ब्रिजभूषण शरण सिंह के इस्तीफे की मांग कर रहे हैं।